हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग हैं मथुरा के प्रेम मंदिर में, और इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। सो आपको बता दूँ कि मैंने कई सारे मंदिर एक ही दिन में घूमे थे मथुरा में, जिसके कारण वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई और उसके बाद में अभी वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ। तो चलिए उसको साइड में करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो मंदिर है वो अपने लाइटिंग डेकोरेशन के कारण काफ़ी फेमस रहता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रात में ज़्यादा दर्शक आते हैं और रात को ही वो जो लाइटिंग डेकोरेशन का मज़ा है वो देखने में काफ़ी आनंद आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग हैं एक वाटर फाउंटेन के सामने, जिस पर कि प्रोजेक्टर की मदद से एक वीडियो प्ले की जा रही है, जो देखने में काफ़ी अद्भुत और मज़ेदार लग रही है। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य आप लोगों को इस मंदिर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा ये नज़ारा लग रहा है। ये सारा वाटर फाउंटेन का और लाइटिंग का ही कमाल है, जिससे कि हम लोग इतने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर देख पा रहे हैं। और प्रेम मंदिर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यहाँ का लाइटिंग डेकोरेशन है, और मंदिर भी काफ़ी अद्भुत बना हुआ है। लेकिन मंदिर परिसर के अंदर फ़ोटो एंड वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जिससे कि हम लोग बाहर ही बस थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी कर पाए थे और उसके बाद में मोबाइल सबमिट करना पड़ा था। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पर निकाले थे और हम लोग बस विदाउट वॉइस के ही वीडियो शूट करते रहे, क्योंकि रात के टाइम में वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल था और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। गाइस, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। हम लोगों को शायद थोड़ा सा मौका मिला था, ये उतनी देर में हमने थोड़ी सी ये क्लिप बनाई थी, लेकिन वहाँ पर वीडियो शूट करना और फ़ोटो शूट करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप वीडियो या फ़ोटो शूट करने के लिए खड़े होते हैं, फ़ोटो तो शूट करना बहुत ही मुश्किल है गाइस, क्योंकि अगर आप फ़ोटो शूट करने के लिए कहीं भी खड़े होते हैं तो आपके आगे पीछे से चारों तरफ से लोग निकलने की कोशिश करते रहते हैं। तो बिल्कुल भी फ़ोटो शूट करना बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर। और गाइस, आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ झांकियाँ भी लगी हुई थी, जो कि बहुत ही मनमोहक थी और देखने में बहुत ही शानदार थी। और गाइज, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो है यही वैष्णो देवी जी की प्रतिमा, जो कि काफ़ी ऊंची बनी हुई है और बहुत ही बड़ी है, काफ़ी दूर से दिखाई देती है। और ये एक नया मंदिर है मथुरा में, और यहाँ पर भी अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो बस मैंने ये छोटा सा क्लिप बाहर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक पाउच देख रहे हैं, जिस पर एक तरफ लिखा हुआ है खजाना और दूसरी तरफ प्रसाद। तो गाइज, ये सभी भक्तों को वैष्णो देवी मंदिर से लौटते वक्त दिया जाता है, जिसमें कि माँ वैष्णो देवी का प्रसाद रहता है। और प्रसाद के साथ एक पाउच और होता है साइड में, जिस पर कि खजाना लिखा हुआ है, उसमें एक सिक्का मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिश्री के प्रसाद के साथ में एक सिक्का भी दिया जाता है, और सिक्के पर क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ होती है माँ वैष्णो देवी की तस्वीर और दूसरी तरफ आप लोगों को इस पर मिलता है 2019 लिखा हुआ। आप लोग देख सकते हैं 2019 लिखा हुआ रहता है, और उस पर लिखा हुआ रहता है माँ वैष्णो देवी वृंदावन धाम मथुरा। सो गाइज, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो भक्तों को लौटते मंदिर से लौटते वक्त दी जाती है। और गाइज, अभी आप लोग जो अपने स्क्रीन पर मंदिर देख रहे हैं उसका नाम है प्रिया कांजू महाराज मंदिर, और ये मंदिर देवकी नंदन जी ठाकुर महाराज, जो कि आप लोग जानते होंगे भागवत कथावाचक हैं, उनके द्वारा बनवाया गया है। सो गाइज, आप लोग को पता होगा कि मथुरा में आप लोगों को बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, और सारे मंदिर घूमना एक दो दिन में भी पॉसिबल नहीं है, दो से तीन चार दिन में भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइज, एक कोशिश थी मेरी दो तीन दिन की मथुरा ट्रिप के अंदर कि कुछ मंदिर घूमे जाएँ और आपको दिखाया जाए। और गाइज, अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये इसी मंदिर के अंदर एक गुफा है, जिसके ये आप लोग दृश्य अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो गाइज, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इस
मथुरा दर्शन के पार्ट 1 और 2 भी आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मथुरा दर्शन का वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद।